इस व्लॉग को मत मिस कीजिएगा, बहुत एंजॉय करने वाले आप। इस गाड़ी का मॉडल है 1958 आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बाकी गाना आ रहा है हिना के साथ, बैंगर होने वाला है। आप लोग के आज मैं किस शूट पे। बाय द वे मैं अभी जिस लोकेशन पे मौजूद हूँ, लोकेशन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मतलब प्यारी लग रही है, फैक्ट्री टाइप एरिया है और बहुत ही मजे का शूट होने जा रहा है यहाँ पे। तो आज है वीडियो सॉन्ग की शूट की रिकॉर्डिंग, तो बहुत ही एंजॉय करने वाले हैं। हम रेडी हो चुकी हूँ, मैं मेकअप करवा लिया था मैंने। एनीवे शूट के लिए जो है ये फैक्ट्री लिया है, यहाँ से हम अंदर जाएंगे। लोकेशन है हमारे पास बहुत ही प्यारी, कंटेनर टाइप, मशीनरी टाइप और इस तरह की चीजें। जैसे ही हमें जो है शूट कॉल आती है तो हम अंदर चलते हैं और आप लोगों के साथ में अपनी आज की रिकॉर्डिंग जो है वो शेयर करने वाली हूँ। एनीवे इस व्लॉग को मत मिस कीजिएगा, बहुत एंजॉय करने वाले हैं। जिहड़े ठोक देंदे आज तां ठोकी दा कंधा विच
अभी हम सेकंड लुक जो है वो चेंज कर रहे हैं क्योंकि वीडियो सॉन्ग है उसमें जो है लुक थोड़ी चेंज है, आउटफिट भी चेंज करेंगे। इतने सारे आउटफिट्स है यकीन करो समझ ही नहीं आ रही कि बंदा क्या पहने और क्या ना पहने। लाइक ठीक है मैं क्या वेयर करती हूँ जो बन। सो गाइस अभी मैं आउटफिट चेंज करने जा रही हूँ। बाहर का मौसम देख सकते हैं आप इस कदर हसीन हुआ हुआ ना, बारिश हो गई कितनी तेज वो मोमेंट मैं कैप्चर नहीं कर सकी क्योंकि मेरे तीनों फोन पता नहीं किसके पास थे, जिसके पास थे वो शायद खाना खाने में मशहूर था। एनीवे खाना नहीं खाया उसने लेकिन मेरा सीन मिस हो गया। एनीवे मैंने आप लोगों को ब्लॉग में लाजमी दिखाना था बट चलो कोई नहीं, आउटफिट वेयर करते हैं। आपको पता है अभी इतनी तेज़ आंधी और बारिश आई थी उसमें हमने कुछ सीन्स निकाले, बारिश में नहीं निकाले वहाँ अंदर जाके निकाले, तो आउटफिट चेंज कर लेते हैं। सो गाइस फाइनली मैंने अपना आउटफिट वेयर कर लिया और मैं ऊपर जा रही हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह चलो हवा बहुत तेज है, ड्रोन नहीं उड़ सकता ज्यादा देर, लाइट भी कम है, थोड़ा नीचे आ जा लाइट ज्यादा हो जाएगी तेरे फेस से। यार लाइट भी पड़ी हुई लाइट तो मंगवाओ यार, वो येलो टाइम लग गया, हल्का सा व्यू रखना है मेरी जान के कोटे, व्यू ले लो अच्छी व्यू अच्छा आ जाएगा। हमें लेना भी ऊपर से शॉट, फिलहाल ऐसे भी शॉट दो ना, पहले स्टार्ट हल्का स्टार्ट करो, गाना गा दी गाना स्टार्ट करो पहले। ओके आप देखेंगे बताओ हमारा अपने मूवमेंट डाउन निकल पड़ो निकल पड़ो इतना टाइम लगा दिया है, चलो बंदर वाला ना मिस हो जाए। हे गाइस आज हम कर रहे हैं नागिन स्टेट का शूट, हमारे पाकिस्तानी नागिन रेडी हो चुकी है, देखिए उनकी यहाँ के डॉर्स है देखिए। सो गाइस फाइनली मैं लोकेशन पे आ गई हूँ तो बस हील्स पहनी रह गई मैं जाने तो उधर जाने तो उधर से जूल ले लें आपको जो उसको जो भी जा रहे हैं वो उधर फिर आप मिट्टी भी उड़ी है ना तो उधर आप जूल जा रहे हैं। ओके अभी तक आप लोगों को नहीं पता कि मैं किस सिंगर के साथ वीडियो सॉन्ग करने जा रही हूँ या जिसके शूट पे मैं मौजूद हूँ। एनीवे मैं आप लोगों को उस सिंगर से भी मिलवाऊंगी, आप लोग जानते होंगे उस सिंगर को, अगर आप नहीं भी जानते हुए तो मैं हूँ ना आप लोगों को बताने के लिए कि किस सिंगर के साथ मैं आज वीडियो कर रही हूँ। आगे सारे ब्रो पंजाबी आती है बोले बोल के दिखाए किद्दा ब्रो सारे अभी गुड एवरीथिंग फाइन नाइस एक्सेंट आर यू इंडियन नो सीरियसली
मुझे लगा कि आपके एक्सेंट से लगा कि इंडियन एक्सेंट है तो फिर अच्छा लगता है ना इंडियन एक्सेंट. सो गाइस हम सब लोगों को आप लोगों का इंडियन एक्सेंट बहुत पसंद है तो हम लोग जो है अप्रिशिएट करते हैं इंडियंस को, इंडियंस के पंजाबी को. सो बाकी गाना आ रहा है हिना के साथ तो मेरे हिसाब से कुछ बैंगर होने वाला है. कुछ बहुत अमेजिंग होने जा रहा है तो चलो गाइस अब बस शुरू करते हैं. चलो यार बहुत ज्यादा कर लिए. नाउ यू आर चेंज ओके चल रहे ठीक तो रहा थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा. नहीं ध्यान से ध्यान से बिल्कुल ध्यान से लाइट चेंज करो सियान नहीं करनी. उसकी रीजन ये थी कि कुछ बिजी थी और कुछ सिचुएशन भी ऐसी बन गई जिसमें काम छोड़ा हुआ था. एनीवे ये मेरा थर्ड वीडियो सॉन्ग है, देखना मत भूले. फर्स्ट वीडियो सॉन्ग मैंने किया था आरिफ बहार साहब के साथ, फिर सलीम अल बेला साहब के साथ मेरा सेकंड वीडियो था, एंड जो थर्ड वीडियो है उसकी रिकॉर्डिंग से मैं अभी घर आ चुकी हूँ. उस सिंगर का भी मैं आपको नाम बता देती हूँ जिस सिंगर के साथ मैंने आज वीडियो शूट किया है, उनका नेम है हनी राज. सो आप मेरा इस वीडियो को वॉच करना मत भूलें, लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. नेक्स्ट व्लॉग तो मुझे इजाज़त है, अब बहुत से काम है, मुझे कपड़े समेटने हैं, बहुत कुछ है समेटने वाला. तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. इसी तरह दुआओं में याद रखें और इसी तरह जो है काम शाम आते रहेंगे, शूट्स वगैरह आप लोगों को दिखाती रहूँगी क्योंकि अब मैं बैक टू लाइफ आ चुकी हूँ इन शो बिज़, और मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है और अपना प्यार इसी तरह मुझे देते रहें, मुझे इजाज़त दें. अल्लाह हाफिज़.